आसमान छूती महंगाई को से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क जो है वो कम किया है। इस वजह से पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये की कमी हमें दिखाई दे रही है। मैं फिलहाल हूँ मुंबई की ऐसे एक पेट्रोल पंप पर जहाँ पर आज सुबह से पेट्रोल के दाम जो है वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल जो है वो 111.30 रुपये से बिकते हुए हमें नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, जो दिलासा है कुछ, जो दिलासा है पेट्रोल के दाम जो है वो कम हुए? हाँ ठीक है, ठीक है। और कम हुए ऐसा आपको लगता है? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, और कम होएगा क्या होगा। हमारे साथ और कुछ नागरिक हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम हुए हैं, कुछ दिलासा है? अभी तो कम थोड़ा हुआ, कम 9-10 रुपये कम होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे और बढ़ सकता है। और ये गवर्नमेंट जो है ये तो बढ़ा नहीं चाह रही, कम करना नहीं चाह रही है, तो हमें तो कम जितना होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा तनख्वाह कम है, इसके लिए पेट्रोल में हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। जो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने भी जो इस पर का कर है वो कम करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, पब्लिक बोलने से पहले उन्होंने करना चाहिए। ये कुछ प्रतिक्रिया है जो नागरिकों की तरफ से दी जा रही है कि भाई फिलहाल जो पेट्रोल है उसके दाम है वो पहले ही आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो दाम कम किए जाए और राहत जो है वो हमें दी जाए, ऐसी जो प्रतिक्रिया है वो हमें नागरिक देते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन दिवेश महाजन के साथ अभिषेक मुठाल, ABP News, मुंबई।